हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं लेपचा खा। तो वैसे आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग आया है, तो इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो लगभग 3-4 महीने के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। वैसे एक ब्लॉग तो मैंने पहले ही बनाया था मार्च महीने में, लेकिन इसको अपलोड करने में बहुत देर हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लोग बहुत ही जल्दी स्टार्ट किए हैं, क्योंकि जाने में भी टाइम लगेगा और फिर हम लोग को वहाँ पर जाके एक दिन रहना भी है और नेक्स्ट डे हम लोग वापस आने वाले हैं वहाँ से। तो जितना अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे जर्नी उतना बेटर रहेगा, क्योंकि ट्रेकिंग में भी 2-3 घंटा लग ही जाएगा, तो इसीलिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग शुरू किया है। लेपचा खा जाने के लिए आपको पनीर बनाना पड़ेगा। तो जिन लोगों भी पता नहीं कैसे पनीर बनाना पड़ेगा, वो लोग जाके मेरे बॉक्सर हिल वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर डिटेल्स में मैंने बताया है, और इसलिए मैं यहाँ पर उतना डिटेल्स में नहीं बताने वाली हूँ। तो बाय द वे, अभी हम लोग परमिट ऑफिस पे है और जैसे ही हम लोगों का परमिट बनाना हो जाएगा, हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे लेपचा खा के लिए। तो गाइस, परमिट तो मिल चुका है, तो अभी चलिए जर्नी शुरू करते हैं। यह से लगभग 30 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि हम लोग बाई कार जाएंगे सिंथोला बाड़ी तक, और फिर वहाँ से हम लोग का ट्रेकिंग का जर्नी शुरू होगा। और सिंथोला बाड़ी से लगभग 8-9 किलोमीटर का रास्ता होगा ट्रेकिंग का। तो अगर आप चाहते हैं सिंथोला बाड़ी से 0 पॉइंट तक गाड़ी में जाना, आप जा सकते हैं, लेकिन हम लोग जाने वाले हैं पैदल। पिछले बार हम लोग जब बॉक्सा फोर्ट गए थे, तब सिंथोला बाड़ी से 0 पॉइंट तक हम लोग कार में गए थे, लेकिन इस बार हम लोग पूरा रास्ता पैदल ही जाने वाले हैं, यानी कि ट्रेकिंग करते हुए जाने वाले हैं। तो शायद थोड़ा टफ होगा, लेकिन अगर टफ नहीं होगा तो मज़ा कैसे आएगा। तो बने रहे हम लोग के साथ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सिंथोला बाड़ी, और अभी यहाँ से हम लोग पैदल यानी कि ट्रेकिंग करते हुए जाएंगे लेपचा खा विलेज। तो चलिए चलते हैं, और यहाँ पर हम लोगों का ट्रेकिंग जो है शुरू हो चुका है। तो ट्रेकिंग करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, कि जब भी आप ट्रेकिंग के लिए जाइएगा तो बहुत ज़्यादा सामान अपने साथ कभी भी कैरी मत कीजिए। उसमें क्या होगा, पहाड़ में जब हम लोग चढ़ते हैं तब हम लोग का सांस जो है वो फूलने लगता है, और बहुत दूर हम लोग जा नहीं सकते हैं। तो अगर हम लोग बहुत फिट है तभी हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे ट्रेकिंग, और अगर हम लोग उतना फिट नहीं है यानी कि ठीक ठाक है, तब हम लोगों को उतना सामान नहीं कैरी करना है। वैसे हर जगह पर आपको गाइड कम पॉटर तो मिल ही जाएगा, जो कि लगभग 300 रुपये लेता है और सामान भी कैरी करता है। तो हम लोग के साथ भी एक पॉटर भैया थे यानी कि गाइड थे, जिन्होंने हम लोगों का बाकी का सामान कैरी किया, और क्या ही बोले, वो तो बहुत पहले ही उठ गए, मतलब चढ़ के चले गए थे, डेस्टिनेशन तक पहुंच भी गए थे, और हम लोग बहुत ही स्लो थे। तो गाइस, यहाँ पर बहुत सारा व्यू पॉइंट भी है, थोड़ी ही देर आप चढ़ोगे और आपको एक व्यू पॉइंट मिल जाएगा, जहाँ पर आप रुक सकते हो और फोटो खींच सकते हो बहुत ही सुंदर सुंदर। तो ऐसा ही एक दो व्यू पॉइंट अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जैसे कि अभी हम लोग एक व्यू पॉइंट में जा रहे हैं। तो पिछले बार जब हम लोग आए थे यहाँ पर रेलिंग वगैरह नहीं था, तो इस बार हम लोग को रेलिंग दिखाई दिया है यहाँ पर, तो चलो अच्छा है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है रेलिंग लगाने के बाद। तो और एक चीज़ भी है, यहाँ पर बैठने के लिए जगह भी दिया गया है, पिछले बार ये भी नहीं था, तो चलो अच्छा है। अगर आप थक जाओगे तो आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हो, बैठ सकते हो और नेचर को एंजॉय कर सकते हो, उसके बाद आप फिर से अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो।
सो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं लेपचखा विलेज यानी कि बॉक्सा फोर्ट के हिल टॉप पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और यही सामने जो आप देख पा रहे हो यही है विलेज, छोटा सा विलेज है लेकिन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। और सामने आप जितने भी घर देख पा रहे हो ये सभी एक्चुअली होम स्टे है। अगर आप भी यहाँ पर आ रहे हो तो अब आपको भी इन्हीं में से किसी में स्टे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टे करने का एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा था हम लोगों का। और यहाँ पर हॉस्पिटलिटी जो है, जो भी यहाँ का विलेजर्स है, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही यू नो केयरिंग है। तो हम लोग को तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा गया था यहाँ पर, तो हम लोग को आके बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। तो चलिए पूरा विलेज आपको दिखाते हैं घूम के। तो सामने आप जो व्यू देख पा रहे हो बहुत ही सुंदर है, कैमरे में तो इतना कैप्चर हो पाता नहीं है ठीक है, मेरा तो उतना अच्छा कैमरा भी नहीं है, GoPro है सिंपल सा, तो उतना अच्छा कैप्चर भी नहीं होता है। और मोबाइल पे एडिटिंग करती हूँ मैं तो उतना अच्छा एडिटिंग भी नहीं हो पाता है। तो लेकिन जितना भी कैप्चर हो रहा है अगर आप खुली आँखों से देखोगे तो बहुत ही सुंदर है। तो गाइस हम लोग इस वाले होम स्टे में स्टे करने वाले हैं, तो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही शांति है यहाँ पर। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ और पहाड़ दिखते हैं, जहाँ पर भी आप देखोगे दूर तक नज़र आएगा सिर्फ पहाड़ और पहाड़ और खुली हवा। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। तो गाइस अगर आप नॉर्थ बंगाल आ रहे हो या फिर डुअर्स आ रहे हो तो बॉक्सा फोर्ट और लेपचखा को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ही सुंदर जगह है और आपको आना ही चाहिए यहाँ पर। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और जगह पे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।